हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा चैप्टर फोर्थ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो चल रहा था, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक्स को ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल्स आर गिवन, ये हमने किया था। व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन, थर्ड पॉइंट व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स एंड फोर्थ थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स गिवन। जब हमें ये गिवन होता है तब हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक ड्रॉ करते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। आज हम बात करेंगे व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टी, जब हमें स्पेशल प्रॉपर्टीज गिवन होगी, हमें कोई साइड्स या फिर ये सब नहीं दिया होगा, हमें क्वाड्रेटिक की कुछ प्रॉपर्टीज गिवन होगी, उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रेटिक्स को। ओके, जैसे हमने स्टार्स की जो क्वाड्रेटिक उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, रोम्बस की, पैरेललोग्राम की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, इन सबकी, तो उन्हीं के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आज कंस्ट्रक्शंस करेंगे क्वाड्रेटिक्स की। ओके, सो एक्सरसाइज 4.5 में ये आपके कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसमें, द स्क्वायर आर ए डी रीड विद आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर गिवन है जिसकी एक साइड गिवन है, वन साइड गिवन है आर ई 5.1 सेंटीमीटर। आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसकी जो सभी साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो आर ई एक साइड उसकी 5.1 है, तो बाकी सब क्या होगी, सेम होगी। और स्क्वायर में एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। सबसे पहले आप आर ई को क्या लोगे, बेस लोगे, फिर आप क्या करोगे उस पर 90 डिग्री आर और ई पॉइंट्स को आप उनके ऊपर कंपास रख के आप 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करोगे, पहले आर पे फिर ई पे, फिर 5.1 की आर्क ड्रॉ करके इस आर से और ई से दोनों से, और जो जहाँ पे मिलेगा उन लास्ट वाले पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दोगे, स्क्वायर बन जाएगा। ओके, ये आप क्वेश्चन खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस, रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर 6.4 सेंटीमीटर। रोम्बस जो है वो इसको ड्रॉ करना है, डायगोनल्स गिवन है हमें रोम्बस की, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ अभी। नेक्स्ट है रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है उसकी एडजेसेंट साइड्स गिवन है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये भी आपको, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर था उसमें वन साइड गिवन थी, इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है। और रेक्टेंगल में भी क्या होता है कि एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये भी आप खुद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम भी हम ड्रॉ करना सीखेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, रोम्बस ड्रॉ करना है। रोम्बस हमें एबीसीडी हमने इसको लेट कर लिया, तो इसके हमें डायगोनल गिवन है एसी एंड बीडी। डायगोनल कितने हैं, 5.2 सेंटीमीटर और 6.4। हमने इसका रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया, रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। तो ये इसका क्या है, एसी जो है और बीडी जो है इसकी डायगोनल्स गिवन है, हमें इसकी साइड्स गिवन है, डायगोनल्स गिवन है। तो ये आपका 5.2 सेंटीमीटर और ये वाला आपका 6.4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें एसी को एज अ बेस लेना है, तो एसी आप ड्रॉ करोगे कितना, 5.2 सेंटीमीटर। कितना ड्रॉ करना है, 5.2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हुआ, एसी, इसको नेम दिया ए एंड सी। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रोम्बस की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी इस पॉइंट आपस में बाइसेक्ट होते हैं। तो एसी जो एसी एंड बीडी जो है वो आपस में यहाँ पे क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बाइसेक्टर निकालते हैं। तो बाइसेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सो पुट योर कंपास ऑन पॉइंट सी एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ अपर साइड एंड ड्रॉ एन आर्क लोअर साइड। लोअर और अपर साइड पे आप इस तरीके से क्या करोगे, इसको आपको क्या करना है, 3/4 ओपन करना है। कितना ओपन करना है, 3/4, यानी आधे से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपने ड्रॉ किया और इस तरीके से इधर, फिर हम ए पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ पे हमने इस पहले वाले आपको कट किया, इधर भी हमने इस आपको कट किया। अब दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करवा देंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन करवा देंगे। ओके, ये हो गया इसका बाइसेक्टर। अब ये इसका क्या है, अदर डायगोनल है दूसरा, यानी बीडी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका बी और डी पॉइंट कहाँ आएंगे। तो हमें ये टोटल कितना गिवन है, बीडी टोटल कितना गिवन है हमें, 6.4 गिवन है। तो हमें क्या करना है, इसका देखो ये इसको बाइसेक्ट करता है, एसी जो है वो बीडी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सो इसका मतलब हमारा जो बीडी है उसका अगर हम हाफ करेंगे, इसका हाफ कितना होगा, 3.2,
तो ये इसके क्या आएगा, ऊपर साइड आएगा और 3.2 नीचे आएगा। सो हमें क्या करना है, कंपास को 3.2 ओपन करना है। कितना ओपन करना है, 3.2। सो ये हमारा हो गया 3.2। अब इस पॉइंट को आप क्या करोगे, यहाँ पे कट करोगे, ओके, यहाँ पे इसको कट करेंगे, ये यहाँ पे कट हो रहा है, और उतना ही आप इसको करोगे नीचे की साइड कट, ओके। अब ये पॉइंट है इसका बी और ये पॉइंट है इसका डी। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, बी पॉइंट को ए से मीट करवाओगे, फिर आपको सी से करवाना है। सेम आपको यहाँ से और सेम आपको यहाँ से। सो हमारा जो रोम्बस है वो क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ओके, समझ में आया आपको। ये आपका 3.2 यानी कि 6.4 सेंटीमीटर हुआ, ये आपका हुआ 5.2 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्या है, रोम्बस है। ये पॉइंट था इसका, ये आपका बाइसेक्शन का था। आप इसको ज़्यादा भी जैसे 3/4 आएगा इसका, यहाँ तक ही आएगा। सो ये इसका कटिंग पॉइंट है। ओके, सो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रोम्बस। नेक्स्ट देखिए, हमें पैरेललोग्राम गिवन है। ओके गिवन है हमें 5.5 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है, और के जो इसकी ब्रेथ है वो 4.2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर, ये हम ड्रॉ करेंगे मेजरमेंट से। आप इसको 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, ओ, और ये पॉइंट है के। ठीक है, इसकी लेंथ कितने गिवन है, 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, इसकी ब्रेथ चाहिए, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होता। सो हम क्या करेंगे, अपने इच्छा से हम कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे 60 हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम हल्का सा 90 से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से आर्क लगाएंगे, ओके, थोड़ा सा 90 से अपअप, और इस पॉइंट को हम इसे मीट करवा देंगे और इसको आगे तक बढ़ा देंगे। ओके, इसको हम क्या कर देंगे, आगे तक बढ़ा दिया। सो ये हमारा साइड आ जाएगा, लेकिन साइड में हमें क्या गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर गिवन है। सो हम कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, कितनी करनी है, 4.2। कंपास की टिप को के पॉइंट पे रखोगे और इसको यहाँ पे कट करोगे, ये हमारा पॉइंट होगा ए, और ये लेंथ हमारी 4.2 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे तो ये साइड तो हमारे पास आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये वाले साइड फाइंड करनी है। सो इस वाले साइड के लिए हम क्या करेंगे, जितनी हमने कंपास को ओपन किया था पहले, उतना ही हम अभी ओपन करेंगे और इस पॉइंट पे हम रखेंगे। ओके, क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे हम इसको रखेंगे। उतना ही ओपन करेंगे जितना पहले था। नेक्स्ट हम यहाँ से मेजर लेंगे कि ये वाली जो हमारी साइड गिवन थी वो कितनी थी। इस तरीके से हम इतना ओपन करेंगे इसको, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से जितना गिवन था, यहाँ से उतना ही हम यहाँ से आर्क लगाएंगे। अब इनको हम क्या करवा देंगे, मीट करवा देंगे। क्या करवा देंगे, मीट करवा देंगे इस तरीके से। ओके, इसको हमने क्या करवा दिया, मीट करवा दिया इस पॉइंट्स को। ठीक है, सो आगे देखो, अब हमें वापस 4.2 ओपन करना है, तो यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट लेंगे 4.2। सो ये रहा आपका 4.2, ये हमारा पॉइंट होगा y। क्या पॉइंट होगा, ये y पॉइंट होगा। अब इस a और y पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन करवाएंगे। ओके, सो ये हमारा o k a y, ये हमारा क्या हो गया, जो गिवन पैरेललोग्राम था वो तैयार हो गया। ओके, ये आपका है 4.2 सेंटीमीटर, ये आपका है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका पैरेललोग्राम है गिवन है। अगर इसकी जगह पे रेक्टेंगल होता तो यहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते। ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन था, तो इसलिए हमने इसको एंगल को अपनी इच्छा से अपनी इस तरीके से आप ड्रॉ करके हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, सो ये आपके 4.5 के क्वेश्चंस थे। जो बाकी के पेनिंग क्वेश्चंस है वो आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।